गजी 53 और KGF के बाद साउथ में एक और फिल्म आई है और वो फिल्म का नाम है हनुमान और ये एक सुपर हीरो फिल्म है। सुपर हीरो की फिल्में आपने तो बहुत देखी होगी, जो ग्रीस हो गई या ब्रह्मशास्त्र मूवी होगी, सभी सुपर हीरो फिल्म थी। लेकिन ये जो हनुमान फिल्म है ये सबसे बढ़कर है, क्योंकि सुपर हीरो में सबसे बढ़कर हनुमान जी का नाम आता है, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा शक्ति है कि इनकी शक्ति के बराबर में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसी पर एक फिल्म आ रही है हनुमान, ये साउथ इंडस्ट्री की फिल्म तेलुगु में आ रही है, तेलुगु के साथ साथ तमिल हिंदी सभी भाषा में आ रही है और इसका टीजर रिलीज कर दिया गया और टीजर से बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है और ये टीजर पर बॉलीवुड के बहुत ऐसे एक्टर का भी रिएक्शन आ चुका है, क्योंकि अभी बॉलीवुड की फिल्में कोई भी नहीं चल रही है, इसलिए जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं सभी साउथ की फिल्मों को इग्नोर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई भी अच्छी फिल्म नहीं बना रहे, वो 90 के ज़माने की फिल्म बना रहे हैं। 90 के ज़माने में बॉलीवुड में फिल्म बन चुकी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक्शन हम लोग को देखने को मिलता था, वही जो ज़माना है साउथ में चल गया है, साउथ के हीरो एक्शन फिल्में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वो ज़माने को पार कर लिए हैं। इतना बड़ा कहना है बॉलीवुड का, लेकिन वही साउथ की फिल्में अभी बहुत ही लोगों के दिलों पर राज कर रही है। KGF हो गई या पुष्पा हो गई या 3RRR जो साउथ में बनी थी सभी सुपर डुपर हिट हो रही है। अभी कुछ दिन पहले जो कंतारा फिल्म आई थी वो भी साउथ की थी और वो भी ओनली 16 करोड़ बजट में बनी थी और 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर लिया है और हिंदी में 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया। तब सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म में अभी हो रही है साउथ की। और वही जो इस पर जो हिंदुस्तानी भाव है, इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कह लीजिए या इंडिया के यूट्यूबर कह लीजिए, उन्होंने ये फिल्म पर बहुत ही बड़ी बात कह दी है। वो बहुत पहले से ही बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखते हैं, बॉलीवुड के हीरो को नंगा करते हैं, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद उन्होंने भी बहुत ही बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कही है कि इसका टीजर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, ऐसी फिल्में बॉलीवुड में क्यों नहीं बन रही है, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में ओनली बजट बहुत ही ज़्यादा है और फिल्म फ्लॉप हो जा रही है, लेकिन साउथ में छोटी बजट की फिल्में आ रही है बहुत ही बड़ा धमाका कर रही है। तो ये फिल्म का हम सभी को इंतजार रहेगा। ये पैन इंडिया रिलीज हो रही है और इसके जो हीरो है, इससे पहले जो इंदिरा द टाइगर फिल्म आई थी चिरंजीवी की, उसमें बहुत ही छोटे लड़के का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन अभी के टाइम बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। इतना जबरदस्त एक्शन कर रहे हैं, जो VFX उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया सभी बहुत ही अच्छा है। तो गाइस इतना बड़ा बयान दिया है हिंदुस्तानी भाव ने, तो आप बताइए कमेंट में, क्या आपने ये टीजर देखा है और टीजर देखा है तो आपको फिल्म कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।